अभी मैं उठ गई हूँ। तो गाइस मैं पता नहीं कितने बजे उठी हूँ। तो गाइस मैं देखती हूँ कि मैं कितने बजे उठी हूँ। और गाइस मैं 6 o'clock उठी, 40 रिपोर्ट की गाइस, वरना मैं हर डे में 7 o'clock ही उठती हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गई क्योंकि गाइस आज मुझे स्कूल जाना है। एंड गाइस मम्मा किचन में बर्तन वॉश कर रही है क्योंकि आज में मेरा लंच है, तो मैं बिना लंच के कैसे जा सकती हूँ ना गाइस। वहाँ पर लंच भी तो होता है ना स्कूल में। तो गाइस इसलिए मम्मा सारे बर्तनों को वॉश कर रही है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा भैया क्या कह रहा है। हेलो ले ले उठ गए या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट है? बोलो गुड मॉर्निंग। अरे पापा गाइस मैं दंत क्रांति का यूज करती हूँ जो इस पे, क्योंकि गाइस दंत क्रांति ब्रश पे ले लिया थोड़ा सा पेस्ट, क्योंकि गाइस गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको अपना लंच इसलिए नहीं सो कर पाई थी क्योंकि गाइस वो क्या होता है, तो गाइस मुझे स्कूल से मतलब भूख लग रही थी गाइस, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो गाइस अरे ये कौन है? अरे ये यो भी आ गया। हाय। अरे रे रे। तो गाइस ये दिखा रहा है कि मैं देखो मेरी ड्रैगन एंड बर्गर की ड्रेस हुई मेरी बोतल खाली। तो गाइस मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया क्योंकि गाइस आज का होमवर्क गाइस बहुत सारा था गाइस। अभी मैम ने वैसे का सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट करवा दिया, मैम ने सम मिसिंग लेटर एंड गाइस जंबल वर्ड ऐड कर दी। गाइस मैम को जल्दी से बैक कैमरा करके दिखाती। तो गाइस इसका ना हाथ ही फंस गया इसमें, पता नहीं गाइस कैसे इसका हाथ ही आ गया इसमें, मैंने ध्यान भी नहीं दिया गाइस। चलो मैं इसको निकालती हूं। बस अब हटो। हेलो गाइस, सो आज है सैटरडे, तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हो रही है दोपहर एंड गाइस मैं नहा वाली हूँ। एंड गाइस तो आज मम्मा को बुखार था और फिर लंच वंच कुछ नहीं रेडी हुआ था, तो गाइस मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। वरना गाइस मेरा डेली का रूटीन है, मैं स्कूल जाऊंगी बस संडे को ही छुट्टी रहेगी। तो गाइस इसलिए मैंने छुट्टी कर ली थी। तो गाइस अब मैं नीचे फ्लोर पे बैठी हूँ एंड गाइस मम्मा क्या बनाएंगे बताने गाइस, तो मैं आपको चलो ये दिखाती हूँ गाइस। ये है गाइस ये मम्मा ने परचेज किया था, मतलब गाइस ये मम्मा ने बाय किया था और ये मंगाया था मम्मा ने, ऑनलाइन ऑर्डर किया था गाइस। ये है स्ट्रेटनर, स्ट्रेट कर देता है। तो गाइस मैंने पहले खोल लिया था, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे बालों का स्ट्रेटनर। एंड गाइस इसमें ये जो होती है ना गाइस, ये जो नीचे लगी होती है इसकी मदद से ये ना एकदम स्लिम कर देता है गाइस। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ करके, मतलब ऑन तो नहीं है बट गाइस मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस ऐसे। तो गाइस मम्मा ने ट्राई भी किया था मेरे हेयर्स के ऊपर, तो गाइस बहुत अच्छे से हुए थे बट। तो गाइस मेरे गाइस अभी तो ये फिलहाल मैं ऑफ बटन पे इसको मोड पे कर देती हूँ। एंड गाइस यहाँ से जब ऑन होता है ना आपको समझ में नहीं आता ये ऑन है या ऑफ है, तो गाइस इसलिए इसको दिया गया। अगर ऑन है तो गाइस यहाँ पर ये लाइट सी ऑन होगी, अगर ऑफ है तो नहीं होगी। एंड गाइस इसकी वायर एकदम स्मॉल है गाइस, इतनी बड़ी आप देख सकते हैं। अभी तक हमने इसका टैग नहीं खोला है, तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने का है, मतलब कितने हैं क्या है। शायद इसमें गाइस लिख नहीं रहा है बट लिखा होगा शायद। तो गाइस मैं देखती हूँ उसके बॉक्स में। तो गाइस ये आ गया मेरे पास बॉक्स, तो गाइस अब मैं देखती हूँ। अरे अरे कहाँ है गाइस, शायद इसमें नहीं दिया गया है। तो
बाय जरूर करना। ये हमने पिंक कलर का मंगाया है क्योंकि गाइस मेरा पिंक कलर बहुत, मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा गाइस लगता है। अरे ये ऑटो क्या चाहिए गाइस? कि क्या बन रहा है तो उसके लंच में क्या बन रहा है? चावल, पीले वाले नमकीन चावल। अच्छा मतलब मैं बैठी हूँ सोफे पे, एक बार मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ कैमरा। ये देखिए गाइस मैं आराम से बैठी हूँ। गाइस ये मेरा अरे लगी है। अरे यूवे आपकी टॉय की फैन ले आइए, और वहाँ टॉय की फैन ले यूवी उसमें रखो। तो गाइस ये हमारी न्यू डॉल है, तो गाइस मैं इसको ओपन करती हूँ। रे 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 रे, तो गाइस ये यूवी की टॉयज के लिए है। तो गाइस उसके टॉयज तो सारे के सारे कार्ड्स है, एंड गाइस का एलिफेंट ये हम वृंदावन से लाए थे। तो गाइस मैं इनको रख देती हूँ सही से तुम्हारे इसके तो चमाना आता ही है। तो अरे अरे हटो ये टूट जाएगा, लाओ नहीं है। गाइस आप देख ही सकते हो कि कितना सारे टॉयज है। तो गाइस इसने अपनी टूटी फूटी कार लाया, टूटी फूटी कार बन बस हो गया। दिखाना ये भी फेस दिखाना। ओ बाल कितने गंदे हो रहे, बाल तो कितने गंदे हो रहे। अरे वाओ ये किसने क्लीन किया यूवी? ये क्या है, ये क्या है? चलो गाय। अरे इसको खिलाने वाले बास्केट में रखो। गाइस मम्मा कह रही है इसको तुलसी जी वाले बड़े से टब में भुगाओ। तो गाइस मैं इनको भुग के आती हूँ क्योंकि गाइस हमारे बहुत सारे प्लांट है। गाइस मैं इसको भूल के साथ साथ आपको और भी प्लांट दिखा। तो गाइस मैं बचाने लग रहा था, तो गाइस मैंने ओपन कर दिया। तो गाइस अब कड़क सी धूप निकल गई। तो गाइस ये देखिए ये हमारे तुलसी जी है, और गाइस ये देखिए गाइस ये हमारे मिर्च का पौधे, इस पर तीन आए हैं। तो गाइस मैं पहले एक कटोरी को यहाँ रख दी हूँ। तो गाइस मैं पहले यहाँ पर एक गड्ढा बनाऊंगी क्योंकि गाइस गड्ढे में ही तो हम बोते हैं ना। तो फिर गाइस मैं इसमें से सारी मिट्टी हटा रही हूँ ताकि मैं इसके अंदर बीज डाल पाऊँ, क्योंकि गाइस अंदर ही डालते ज़्यादातर, बहुत गहरा हमें करना चाहिए क्योंकि फिर गए ज़्यादा दिनों से लगते हैं उसको बाहर आने में। बट गए पर ऐसे ना बहुत लंबी होती है वो ना, पूरी जड़ों को कब्जे में कर लेती गाइस। फिर तो गाइस चलो गाइस मैं थोड़ा और कर रही हूँ इस साइड में। तो गाइस मैंने बहुत सारा कर दिया गाइस गड्ढा।
तो गाइस ओ इससे तो मिट्टी आ गई। तो गाइस मैंने एक साथ सारे बीज इसमें कर दिए थे मिट्टी में। तो गाइस अब मैं इनको बो देती हूँ वापस, सारी मिट्टी लगा देती हूँ। तो गाइस अब मैं निकाल रही हूँ सारी मिट्टी जो मैंने। तो गाइस मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गए गाइस गार्डनिंग के चक्कर में, तो सबके हाथ तो गाइस डर्टी डर्टी होते हैं ना। तो मैंने थोड़ा से मैंने इसमें थोड़ी और मिट्टी ऐड कर दी थी। इसको नीचे ले जाऊंगी। यो भाई ये लो, ये नीचे ले जाओ, सिंक में डाल दो, मम्मा के पास ले जाओ। तो गाइस मैं पहले अपने हैंड वॉश करके आती हूँ। वॉश कर लिए थे। अरे कटोरी कहाँ रख दी? कटोरी कहाँ? नीचे चलो। तो गाइस मैंने सारे मतलब सारे बीज बोया ही मैं। तो गाइस अब नीचे आ गई किचन में। मम्मा अब कितने मिनट लगेंगे बनने में? 5 मिनट। तो गाइस अभी 5 मिनट्स लगेंगे राइसों को बनने में। तो गाइस तब तक मैं टेबल में